देश के सभी विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और मंच पे विराजमान महानुभाव सभी को मेरा जय महाराष्ट्र नमस्कार, राम राम। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल शिवनेरी तहसील जुन्नर ग्राम पंचायत टिकेगढ़वाड़ी का सरपंच संतोष टिकेगढ़। मेरी ग्राम पंचायत का साल का इनकम 4 लाख रुपया है सर। मेरा पॉपुलेशन 1119 है और मेरा लगभग 500 एकड़ में मेरा गांव खत्म हो जाता है। भौगोलिक जो सीमा है तो 500 एकड़ तक है, लेकिन ग्राम पंचायत अभी तक जब से फाउंडेशन हुआ है तब से ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनती है। मेरे गांव में चुनाव नहीं होता, मेरे गांव में सिलेक्शन होता है। वाह वाह। मैं मेरे गांव की छोटी सी उपलब्धियां, मुझे 3 गेंदे दी है और 3 गेंदों पे 6 मारना है, मतलब टाइम कम है। तो मेरे गांव की मैं उपलब्धियां आपसे गिनवाता हूँ। गांव इरिगेटेड, पूरा इरिगेटेड होने से अभी पानीदार गांव बनाने के लिए सर आपने बोला है, लेकिन पानीदार गांव बनने के बाद जो दिक्कतें आती है वो मेरे गांव ने और हमने झेली, इसलिए गांव पूरा इरिगेटेड होने के बाद भी हमारा पानी पोल्यूटेड हुआ था। पोल्यूटेड होने से सर आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया, मतलब सर ने प्रेजेंटेशन दिखाया, पोल्यूटेड होने के बाद क्या होता है, मेरे गांव में फ्लोराइड था पानी में, नाइट्रेट था, बीमारियां बढ़ चुकी थी। हर महिला के बैक पेन, बोन पेन, टीथ खराब होना, किडनी स्टोन और आगे जाके कैंसर तक मेरे गांव में पेशेंट मिले। सर मैंने मेरा पानी टेस्ट किया और 2011-12 में नाबार्ड के सहयोग से और ग्राम पंचायत की भागीदारी से हमने आरओ प्लांट, देश का पहला ग्राम पंचायत था जिसने आरओ प्लांट किया। मैंने कोई काम नहीं किया, पहला आरओ प्लांट। उसके बाद हमने उससे बीमारी कम हुई, लोगों का पैसा भी बचा, लोकसंख्या के 4 गुना हमने पेड़ बढ़ाए, पौधारोपण करके पेड़ बढ़ाए और बढ़ाने के लिए मेरे गांव की हर महिला हर महीने के एक दिन ग्राम सभा के लिए उपस्थित होती है और पेड़ संरक्षण और ग्राम स्वच्छता ये दोनों अभियान लगातार 10 साल से चालू है। सर ग्राम सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 100% की हिस्सेदारी, हर घर की महिला हर महीने के एक दिन ग्राम सभा में उपस्थित रहती है। ये देश का पहला गांव है जिसमें लगभग 98% हाउसेस के ऊपर खुद का सोलर वाटर हीटर है। अरे वाह, वेरी गुड। और ये लोगों ने सर खुद के पैसे से और ग्राम पंचायत ने जो बीपीएल के 60 हाउसेस थे उनके लिए ग्राम पंचायत ने प्रयास किया। ये देश का पहला गांव है जिसमें लगभग 98% हाउसेस के ऊपर खुद का सोलर वाटर हीटर है। अरे वाह, वेरी गुड। और ये लोगों ने सर खुद के पैसे से और ग्राम पंचायत ने जो बीपीएल के 60 हाउसेस थे उनके लिए ग्राम पंचायत ने प्रयास किया और बाकी सभी लोगों ने खुद के पैसे से सोलर वाटर हीटर लगाया। गांव के किसानों के लिए ड्रिप इरिगेशन के लिए हमने 70% ड्रिप जमीन हमारे ड्रिप इरिगेशन में लाई, मतलब हमने हमारे पानी का जो आरोग्य लोगों का तो सुधारा था लेकिन जमीन का आरोग्य हमें सुधारना था, जमीन की सेहत हमें सुधारनी थी, इसलिए हमने 70% जमीन ड्रिप इरिगेशन पे लाई है। फिर गांव में झगड़ा होता है तो खेती के ऊपर होता है मैडम, खेती के झगड़े सुलझाने के लिए हमने टंटा मुक्त गांव समिति के माध्यम और ग्राम पंचायत और लैंड सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट का था उनके माध्यम से सर हमने पूरे गांव की जमीन जो है वो गिन के उसका लैंड मार्केशन किया है और सभी झगड़े सुलझाने में हमने सफलता मिली। 15 साल से गांव में कोई भी पुलिस स्टेशन में एक भी झगड़ा नहीं है और ये देश का पहला गांव है जिसने खुद की जमीन खुद गिनी है। और सर इसके लिए भी लगने वाला जो रुपया है गांव वाले ने खुद डोनेशन करके निकाला और गवर्नमेंट के जो फॉर्मेलिटी पूरी की। देश का ये पहला गांव 2017 में हमने 200 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट बिठाया था जिसके ऊपर गांव के जो गोबर है एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके लिए उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं 15 किलोवाट, उससे ही हम गैस निकलता है वो 35 घरों को गैस दे रहे हैं और उसी से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर और सॉलिड फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे। और सर ये प्रोजेक्ट 2017 में पीएम साहब के सामने आपके पंचायत राज के माध्यम से मुझे प्रेजेंट करने का चांस मिला और इतना जल्दी 2018 में सितंबर 2017 को मैंने प्रेजेंट किया था और फरवरी 2018 को पंत्र प्रधान माननीय मोदी साहब ने ये प्रोजेक्ट को गोवर्धन विलेज योजना करके लॉन्च किया, इसीलिए इसका प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी जल्दी फिट एक्शन में आने वाले
हमें प्रधानमंत्री मिले हैं। सर ये जो फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर और लिक्विड फर्टिलाइजर, ये हम हमारे गांव को देश के पहला ग्राम पंचायत होगा कि गांव के जो भी किसान है उनको मुफ्त नहीं नाम मात्र कीमत पर, मतलब 20 से 30 हजार रुपए का खाद, खाली साल का 400 रुपए फीस भरने का और साल में जितना चाहिए उतना खाद लेके जाने का, ये गांव का पहला देश विष मुक्त गांव अभियान इम्प्लीमेंट करने वाली ग्राम पंचायत है। सर सोलर और विंड इन दोनों माध्यम से हमने लगभग 11 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है और सोलर के माध्यम से 23 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है। ये हमारे स्कूल हो, हमारे ग्राम पंचायत कार्यालय, ऑफिस, मंदिर, स्ट्रीट लाइट, इन सभी को हम हमारे लिए बिजली खुद बना के खुद खर्च करते हैं। मतलब हम एमएससीबी के ऊपर, मतलब हमारा जो स्टेट बोर्ड है उसके ऊपर हम निर्भर नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत की जो भी कम्युनिटी बेस एम्यूनिटीज है उनको खुद की बिजली ग्राम पंचायत की है। गांव ने सर 2000 पहले से ही स्कूल के बारे में हमने बहुत सारे काम किए, जो 9 गोल्स हमें मिले है लगभग मेरे ग्राम पंचायत ने पूरे गोल्स अचीव किए। स्कूल के लिए ग्राम पंचायत ने खुद खुद चंदा, गांव के लोगों ने चंदा लगा जमा करके स्कूल बनाया है, उसमें कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड, स्टैप, लड़कियों के लिए कराटे प्रशिक्षण, एबेकस, ये सभी सारी सुविधा मुहैया कराई गई है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, स्मशान घाट सुंदरीकरण, खेती के लिए अच्छे रोड, महिला जागतिक दिनों के लिए स्पर्धा का आयोजन, उसके बाद हेल्थ चेकअप, सैनिटरी पैड, डिस्पोजल मशीन, सभी सुविधा महिला के लिए हमने मुहैया की है। यह सब हम 4 लाख रुपए आय वाले ग्राम पंचायत ने किया है, जिसे निर्मल ग्राम करने के लिए पैसा नहीं था। मैं जब सरपंच बना तब 1 लाख रुपया मेरे ग्राम पंचायत की आय थी, उस समय हमने स्वयं सहायता ग्रुप से 35,000 रुपए कर्जा लिया था और ये कर्जा लेने वाले ग्राम पंचायत ने आज लगभग 1,75,00,000 रुपए के अवार्ड स्टेट और सेंट्रल से जीते। ये मेरे महिलाओं की, मैं आज इधर खड़ा हूँ आपके सामने, ये मेरे माता भगनियों की जो मेहनत का फल है कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैम एक मिनट में मैं मेरा खत्म करूंगा। हमने फ्यूचर प्लान में बहुत सारे प्लान लगा करके रखे, कम्युनिटी बेस्ड डेयरी फार्मिंग, विलेज टूरिज्म, बायोगैस से सीएनजी बनाएंगे और उसी सीएनजी से निकले हुआ CO2 है उससे हम हमारे कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे जो किसानों के आय बढ़ाएंगे। सर मैंने पूरा पीपीटी आपके पास दिया है, मैं इसे संक्षिप्त में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा यह उपस्थित सभी महानुभावों से विनती है कि हमारा देश, जिसे हमने गाना भी बचपन से सुना है, डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो सुनहरा भारत देश के सपने बनाने के लिए हम सभी ग्राम पंचायत प्रयास करेंगे। पर हमारा देश के जो फर्टिलाइजर है, गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, बिजली बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है आयात करते, ये सभी हम हमारे गाँव में बना सकते है। ये ठेकेदारवाड़ी ग्राम पंचायत ने छोटे से छोटे प्रोजेक्ट बना के दिखा के देश को दिखाया है। मेरे ग्राम पंचायत के साथ देश के सभी ग्राम पंचायत जुड़ जाएंगी और ये मॉडल रिफ्लेक्ट हो रहा था तो देश की 80% इकोनॉमी हम बचा पाएंगे और यही इकोनॉमी हमारे देश की ग्रोथ के लिए डबल इंजन करके चलेगा और देश आगे बढ़ सकेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।